नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, मैं यहाँ आइसर सिंगल सिलेंडर इंजन को देखने के लिए आया हूँ। इंजन में स्टार्टिंग दिक्कत है। ये है आइसर सिंगल सिलेंडर का इंजन। दोस्तों, कस्टमर इंजन स्टार्ट करने का बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग दिक्कत है, तो इसे स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इन्होंने एयर को अच्छे से निकाल दिए हैं। तो मैं यहाँ इस नाजिल पाइप से डीजल सप्लाई को देख लेता हूँ। यहाँ डीजल सप्लाई ठीक है। इसके टैपिट कवर को चेक करेंगे, तो इस टैपिट कवर को खोलेंगे। ये जो एयर क्लीनर के साइड वाला वाल है वह इनलेट वाल है। जब ये इनलेट वाल पूरा दबने के बाद ऊपर आ जाएगा तब पिस्टन पोजीशन पर हो जाएगा, तब टैपिट को चेक कर लेंगे। इंजन को सीधी दिशा में घुमाएंगे। सीधी दिशा में घुमाने के बाद वाल ऊपर आ गया। इसके दोनों राकर में हल्का प्ले होना चाहिए। यहाँ टैपिट के दोनों राकर में हल्का प्ले है, टैपिट सही है। दोस्तों, इतना वीडियो देखने के बाद हमारे जो मैकेनिक भाई हैं वह तो समझ ही गए होंगे कि इंजन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। फिर भी मैं आपको इंजन स्टार्ट करने का तरीका बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यहाँ इस एयर क्लीनर के पाइप को खोलेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। होस पाइप को पीछे कर लेते हैं। यहाँ इंजन ऑयल को चेक कर लेते हैं। यहाँ इंजन ऑयल सही है। अब यहाँ इस एयर क्लीनर के एल्बो को निकालेंगे, तो इसमें लगे एलिंकी बोल्ट को खोल देंगे और नीचे 10 नंबर के बोल्ट को खोलेंगे। और पूरे एल्बो को बाहर निकाल देंगे और यहाँ ऐसे मात्र 25 ग्राम या 5 लीटर गैलन के ढक्कन के बराबर ऑयल को डालेंगे। अब इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इंजन ऐसे स्टार्ट हुआ। इंजन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा था, इसका मेन वजह है कि इंजन बैक है, मतलब कि इंजन कंप्रेसर नहीं बना रहा है, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसमें जहां से हवा खींचता है वहां से ऑयल डाला गया, तो इनलेट वाल्व से ऑयल पिस्टन पर गया और कंप्रेसर बनाने पर इंजन स्टार्ट हो गया। इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब इंजन स्टार्ट होने लगा। स्टार्ट करा। अब इंजन बढ़िया से स्टार्ट होने लगा।
आइए मैं आपको दिखाता हूँ इंजन बैक होने पर कैसे पता चलता है। तो यहाँ इस गेज को जब हम निकालेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके गेज से गैस बाहर निकल रहा है, हल्का हल्का धुआं की तरह ये दिखता है। तो ऐसे मालूम होता है कि इंजन बैक हो गया है। इंजन बैक हो जाने पर स्टार्टिंग दिक्कत बार बार होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इंजन का पूरा काम कराना होगा। अब यहाँ इस एल्बो को लगा देंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।